नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। ठीक है, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक स्टेटस स्टोरीज में आप वीडियो शेयर कर दीजिए फटाफट से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए। ठीक है, आज टोटल ही हम मैमल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी मैमल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल राजा बाबू, चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस भी आपको साथ के साथ अपडेट कर दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फटाफट लोगों को जोड़ लो और जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाओ, ताकि अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दोगे तो जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाएँ। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है, द मेन रीज़न फॉर द लैक ऑफ वल्चर्स इन इंडिया इज वायरस इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द का निवारक देना, या फिर जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वल्चर्स, वल्चर्स की कमी का, हमारे क्या होते हैं गिद्ध, वल्चर्स की कमी का कारण इंडिया में क्या है? भाई एक एक करके हर सब्जेक्ट पे आएंगे, टेंशन मत लो। आप ज्योति राठौड़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, फटाफट से आंसर दो भाई, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, जल्दी जल्दी आंसर्स दो। हमारा टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का, वो टारगेट कैसे कंप्लीट करेंगे भाई? हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के सामने आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने का। ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी आंसर दे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, एक भी बच्चे का धर्मेंद्र भुनकर, थोड़ा सा आंसर सही है आज, बहुत बढ़िया बात है। पहली क्लास जिसकी भी है, वेलकम एवरीबॉडी। फटाफट से देखो, आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गिद्धों की कमी का कारण क्या हो रहा है, प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी देखो, हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को, जिन जानवरों को वो खाते हैं गिद्ध, उन सभी को हम क्या दे रहे हैं, दर्द निवारक की दवाइयाँ दे रहे हैं, पेन रिलीवर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गिद्ध उन्हीं जानवरों को खाते हैं। जब उन्हीं जानवरों को गिद्ध खाते हैं, उसकी वजह से उनमें इंफेक्शन के कारण उनकी मृत्यु होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, भारत में तेजी से गिद्धों की संख्या क्या हो रही, कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है? सी ऑप्शन राइट होगा, बहुत बढ़िया बात है। बिहार से भी बिल्कुल सही आंसर, जो भी फर्स्ट टाइम जल्दी से आंसर देगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा और उसको क्या उसका नाम लेंगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, मनुष्य मैमलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें से एक नहीं आता, वह कौन सा है? मैन बिलोंग्स टू मैमलिया क्लास इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल, विच वन इज दैट, रैट, लिजर्ड और पिग्स?
जल्दी जल्दी आंसर दो, सी ऑप्शन कैसे? बिल्ली होगा वो, बिल्ली, कैट। देखो एक एडिटिंग की जरूरत है क्वेश्चन में, सी ऑप्शन बिल्ली आप लोग के सामने है, सी ऑप्शन बिल्ली नहीं होके क्या है, बिल्ली लिखा हुआ है, वो क्या है, बिल्ली है, कैट है, क्या है, कैट है। अब आंसर दो फटाफट से, आंसर दीजिए फटाफट से, बिल्ली नहीं है, बिल्ली है वो। ठीक है, दिल्ली नहीं है, बिल्ली है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही अपन ने इसको बिल्ली कर दिया तो ऑप्शन नंबर हो गया है बी ऑप्शन। देखिएगा लिजर्ड, लिजर्ड जो लिजर्ड है वो किसके अंदर आती है, वो रेप्टाइल्स के अंदर आती है, ना कि मैमल्स के अंदर आती है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जो आपका रैट है, चूहा है, वो भी किसके अंदर आता है, मैमल्स के अंदर आता है। आप लोगों की बिल्ली भी मैमल्स के अंदर आते हैं, सुअर भी मैमल्स के अंदर आते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर है भाई क्या होगा, लिजर्ड आंसर सही होगा कि ये मैमल क्लास में नहीं आते, ये किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सचिन कोहली, आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है, महान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल, ग्रेट इंडियन सारंग, एलिगेटर, प्लेटिपस और धनेश। भाई अभिषेक कुमार मिश्रा, ऑलरेडी ऑलरेडी थ्योरी हो चुकी है, थ्योरी की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। भाई जल्दी से बताओ इनमें से मैमल कौन सा है, कौन कौन से हैं, देखो महान भारतीय सारंग, घड़ियाल, प्लेटिपस और धनेशी। एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल आंसर सही है सी, प्लैटिपस। प्लैटिपस इसमें से क्या है, मैमल है, प्लैटिपस आंसर बिल्कुल सही है। प्लैटिपस क्या है, इनमें से एक मैमल है, ध्यान रखिएगा। अरे धनेश कुछ नहीं है, नॉर्मल, ये एज इट इज क्वेश्चन लिया गया है, एनटीपीसी का क्वेश्चन आया गया क्वेश्चन है, आया हुआ एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम में, तो उसी क्वेश्चन को दिखाने के लिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जहां आपको एक इंसान का नाम रख देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लेज एग एंड डज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जल्दी बताइएगा। एकेडिना, कंगारू, शाही और ब्लू वेल। शाही होता है पॉर्क्यूपीन। बिल्कुल 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 ए आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा, एकेडिना आंसर सही होगा। ठीक है, एकेडिना आंसर सही होगा। एकेडिना क्या है, एकेडिना बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। इनमें से पूछा है कौन सा जीव अंडे देता है, तो एकेडिना आपका क्या देता है, अंडे देता है। और ये क्या है भाई, स्तनधारियों में से स्तनधारियों का क्या है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि एकेडिना मैमल्स में आते हुए भी क्या है, स्तनधारियों में आते हुए भी अंडे देता है, एकेडिना अंडे देता है। बिल्कुल क्या है, आप लोगों का अपवाद है, एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि एकेडिना क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज एग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? ध्यान रखिएगा, कौन सा स्तनधारी जानवर मैमल अंडे देता है? चमगादड़, ब्लू वेल, नेवला या फिर प्लैटिपस? पीडीएफ भाई 12 बजे से पहले अपलोड हो जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? थ्योरी यही तो बताई भाई। बिल्कुल, ब्लू वेल सबसे बड़ा मैमल है। जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाओगे, स्टडी कैफे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अंडे देता है, ध्यान रखो भाई, अंडे देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, कौन सा मैमल अंडे देता है? तो डी ऑप्शन प्लैटीपस आंसर होगा, डी ऑप्शन प्लैटीपस आंसर होगा। याद रखिएगा, प्लैटीपस क्या देता है? अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, बैट नहीं आता उसमें, ठीक है। निम्न में से कौन अंडस्तनी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज एग, कंगारू, मोनोट्रिम, चमगादड़ या फिर ब्लू वेल? इनमें से कौन सा मैमल अंडे देता है? जल्दी जल्दी आंसर दोगे? गुड आफ्टरनून भाई, बहुत अच्छी हूँ। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। जितनी जल्दी आंसर दोगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतनी जल्दी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बी मोनोट्रिम आंसर सही होगा, बी ऑप्शन मोनोट्रिम आंसर सही होगा। मोनोट्रिम क्या है, आंसर सही है, क्योंकि ये अंडस्तनी है, अंडे देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपाई कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, ठीक है, चमगादड़, पर्णिल चीटीखोर, कटीला चीटीखोर या ब्लू वेल? बैट, पर्नल एंट ईटर, थॉर्नी एंट ईटर या फिर ब्लू वेल? इनमें से कौन सा अंडा देने वाला मैमल है? ध्यान रखिएगा। अभिषेक कुमार मिश्रा, आप स्टडी कैफे के चैनल पे जाइए, जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा और शिवानी बाय बायोलॉजी सर्च कर लीजिएगा, शिवानी जैन बाय बायोलॉजी आपको फर्स्ट ऑप्शंस में ही दिख जाएगा। और आपको क्या मिल जाएंगे, एक सब वीडियो का पूरा बंच मिल जाएगा, जीरो बेसिक से लेके सब कुछ, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में सब पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा डिटेल में। कटीला बिल्कुल सही, थॉर्नी एंट ईटर आंसर सही होगा, थॉर्नी एंट ईटर आंसर सही होगा, थॉर्नी एंट ईटर, ध्यान रखिएगा, थॉर्नी एंट ईटर बीएसई में से नहीं, पैरनिल एंट ईटर नहीं करता ऐसा, थॉर्निल एंट ईटर ऐसा करता है कि वो क्या करता है, अंडे देने का काम करता है, क्या करता है, अंडे देने का काम करता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा, थॉर्नी एंट ईटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ये आंसर सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इवन फर्स्ट क्लास के बच्चे तक कोई आंसर पता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, एलिफेंट, ब्लू वेल, डायनासोर या राइनोसॉरस, कौन सा सबसे बड़ा? पीडीएफ आपको मिल जाएगी शुभम कुमार, पीडीएफ आपको मिल जाएगी 12 बजे से पहले, जैसे ही क्लास खत्म होगी तो रात को 12 बजे से पहले आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सोचने की भी जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन देखो, ब्लू वेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे बड़ा मैमल है, ध्यान रखिएगा, ब्लू वेल आंसर सही है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी प्राणी है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? ब्लू वेल, वेल शार्क,
या फिर एलआईटीज या फिर ड्रैको, इनमें से किसका कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है बताइएगा कम्युनिटी पे जाके देखिएगा, क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, इनमें से कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर वाला एनिमल है जो नियत तापी जानवर है, जल्दी बताइए। नहीं भाई ड्रैको आंसर नहीं हुआ, ये आपकी खुद की ब्लू वेल ही है, ब्लू वेल आंसर सही होगा। ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन ब्लू वेल आंसर सही होगा। ये क्या है, नियत तापी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने वाला जानवर है, नियत तापी जानवर है, ए ऑप्शन ब्लू वेल आंसर सही होगा। भाई ऑयल का पार्ट नहीं बट एक फैटी एसिड मिलता है, उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू द लार्जेस्ट एनिमल, एलिफेंट राइनोसॉरस ब्लू वेल या हिप्पोपोटामस, सबसे पहले जन्म देता है और सबसे बड़ा बच्चा जन्म देता है। ठीक है ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भाई आगे क्वेश्चन पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है ऑलरेडी, उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल अभी मुकेश कुमार जी का आंसर सही आया है, मुकेश कुमार जी का आंसर सही आया है। बिल्कुल बिल्कुल ब्लू वेल आंसर सही होगा। अब जय भाई सबसे बड़ा जानवर को जन्म दे रहे हैं, सबसे बड़ा जानवर है तो सबसे बड़े जानवर को ही जन्म देगा, तो ब्लू वेल से ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आज हम मैमल्स बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, स्तनधारियों पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास के टॉपिक भी आपको बता दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों का, सी ब्लू वेल आंसर होगा। क्या जो ब्लू वेल है आप खुद तो बड़ा जानवर है ही, सबसे विशालतम जानवर है ही, किसका, मैमल का, स्तनधारियों का, इसके साथ साथ सबसे विशालकाय जीव को भी जन्म देता है, मतलब जो इसका बच्चा होता है, पैदा हुआ हुआ जस्ट हुआ हुआ बच्चा भी सबसे विशालकाय होता है, ध्यान रखिएगा सी ब्लू वेल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के मॉक टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, परचेज करने के लिए कुछ नहीं करना, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाए, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप, कुछ इस तरह दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन पर है, डाउनलोड कीजिएगा परीक्षा ऐप, परीक्षा ऐप डाउनलोड करते ही आपको जाना है एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करने, और परचेज करते टाइम कूपन कोड लगाइएगा स्टडी के 40, क्या कूपन कोड लगाएंगे स्टडी के 40, ये कूपन कोड लगाते ही 40% का ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन कोड आपको बता रहे अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में, सभी के साथ में कूपन कोड आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करने के कोई चार्जेस नहीं है, ये कूपन कोड भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ 40% ऑफ सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग के एनटीपीसी का मॉक टेस्ट पेपर आप अच्छे से दे पाए और सभी अफोर्ड कर पाए मॉक टेस्ट सीरीज देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समतापी जो अपना समान टेम्परेचर मेंटेन कर सके, समतापी प्राणी पक्षी भी समतापियों में आते हैं, ठीक है बहुत सारे मैमल्स दो कक्ष, कितने कक्ष, किसके कक्ष पूछ रहे हैं, हृदय के कक्ष पूछ रहे हैं, किसके कक्ष पूछ रहे हैं,
समतापी प्राणी वह प्राणी जिनका जिनका क्या हो जाता है, समान टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। समान मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट ताप, मतलब जैसे अगर 28 डिग्री टेम्परेचर है तो ये अगर चाहे बाहर का वातावरण का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो भी अपनी शरीर का तापमान स्थायी रख सकते हैं, उन्हें समतापी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आप लोग के सामने, विश्व में तेज सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है, विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन द वर्ल्ड, ऑन द वर्ल्ड। रेप्टाइल है बलराम कारपेंटर। जल्दी बताइएगा फास्टेस्ट लैंड एनिमल, सबसे ज्यादा तेज जमीनी जानवर कौन सा है जो सबसे तेज भाग सकता है। रेप्टाइल है छिपकली। बिल्कुल बिल्कुल, पैंथर आंसर राइट होगा, बी ऑप्शन पैंथर आंसर राइट होगा। जो आपका पैंथर है, चीता है, वो क्या है, वो क्या है भाई, पैंथर क्या है आपका, सबसे तेज भागने वाला, सबसे तेज भागने वाला क्या है, थल लैंड जानवर है सबसे तेज भागने वाला। ध्यान रखिएगा चीता है, टाइगर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता है, ध्यान रखिएगा चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा नियत तापी, नियत सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर रखने वाला प्राणी है। कांस्टेंट टेम्परेचर रखने वाला प्राणी है, शार्क, सांप, चमगादड़ या छिपकली, इनमें से कांस्टेंट टेम्परेचर रखने वाला प्राणी कौन सा है। जमीनी मतलब भाई लैंड एनिमल, जो कि सिर्फ थल पर रहते हैं, सिर्फ लैंड पर रहते हैं, उन्हें जमीनी प्राणी कहा जाता है। भाई बफरिंग, अपने नेट की स्पीड थोड़ा सही कीजिए, यहाँ कहीं बफर नहीं दिखाई दे रहा। बफरिंग कैसे हो रही सचिन कोहली, सिर्फ आपके उसमें हो रही है, बाकी में तो नहीं हो रही है बफरिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बैट आंसर राइट होगा, सी ऑप्शन बैट आंसर राइट होगा। चमगादड़ नियत तापी प्राणी है, ध्यान रखिएगा चमगादड़ क्या है आपका, नियत तापी प्राणी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का नियत तापी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रखने वाला प्राणी इनमें से कौन सा है। चाहे शार्क ले लो, सांप ले लो, चमगादड़ ले लो, छिपकली ले लो, इनमें से सिर्फ और सिर्फ बैट है जो आपका आंसर सही होगा, चमगादड़ आंसर सही होगा, सी ऑप्शन बैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, क्लास हमेशा चलती है तीन से चार क्लास हमेशा चलती है, बफरिंग नहीं हो रही है सचिन कोहली, आप नेट की स्पीड थोड़ा सही करें। कौन क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसके अंदर आते हैं, फिश में, पाइसिस में या एम्फीबियन में, उभयचर में, सरीसृप में, रेप्टाइल्स में या फिर मैमल्स में, स्तनी में। क्या बताना है भाई, बलराम कारपेंटर। डॉल्फिन्स को सी में कैसे रखोगे भाई, पूछो भाई नितेश जी क्वेश्चन पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैमल्स में डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन है आप लोगों का, मैमल्स, बिल्कुल मैमल्स में रखा गया, जो डॉल्फिन है मैमल्स में रखा गया। और इसके बाद में आप डॉल्फिन के बारे में और चार पांच क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं, तो डॉल्फिन के बारे में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस, मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बिल्कुल डी मैमल, अभी बता के भी दिलीप नाथ जी गलत कैसे बता रहे हैं, क्लास का टाइमिंग 3 से 4 है, जैसा कि आप क्लास के टाइमिंग के अंदर ही है तो आपको पता होगा 3 से 4 ही क्लास के टाइमिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? विच हु इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन, एलिगेटर, टर्टल विद अ सॉफ्ट शेल। जल्दी से आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ कुछ आंसर सही आने लगे हैं और लोगों के आंसर्स का वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा, गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है, हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु है। गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है, हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि हमारा जो लार्ज नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है, डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन द अर्थ? डॉल्फिन, एलिफेंट, डियर या हिप्पोपोटामस, हिप्पोस जिसे बोला जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन बिल्कुल आंसर सही था, हमारा राष्ट्रीय जलीय जंतु ठीक है कौन है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है। जल्दी आंसर दे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है, फास्ट फास्ट आंसर देंगे। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। डॉल्फिन इज द राइट आंसर, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल इज डॉल्फिन। बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, चिंपैंजी ऑप्शंस में है क्या इनमें से? नहीं नहीं, चिंपैंजी से भी ज़्यादा दिमागदार होते हैं डॉल्फिन। चिंपैंजी का दिमाग कंपेयर करते हैं हम ह्यूमन से, इंसानों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन था, भेड़, उलक, खरगोश या इनमें से कोई नहीं? द फर्स्ट क्लोन एनिमल इज, फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन एनिमल इज, देखिएगा क्वेश्चन, फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन एनिमल कौन सा है, शीप, उलक, रैबिट। जल्दी आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल डॉली शीप, बिल्कुल सभी को आंसर सही पता है, ए ऑप्शन होगा। सबसे पहली पहला जानवर जो क्लोन किया गया, सक्सेसफुल क्लोन था, उसका नाम था डॉली और शीप थी वो क्या थी, एक भेड़ थी, क्या थी, एक भेड़ थी, शीप थी, इसीलिए उनका नाम भी डॉली रख दिया गया है। क्लोन, सक्सेसफुल क्लोन एनिमल है डॉली शीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइबेरियन आइबेक्स क्या है, पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरण या एक प्रकार का घोड़ा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। साइबेरियन आइबेक्स क्या है, चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, सही आपको जो सही लगता है वो आंसर दें।
बिल्कुल, भेड़ वाला क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है ना, साइबेरियन आइबेक्स बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिग एंड हैवी गोट्स, जो बड़ी और भारी बकरियां हैं उन्हें साइबेरियन आइबेक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। साइबेरियन आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। साइबेरियन आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ी और भारी बकरियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? स्पाइडर बंदर, बैम्बून, गोरिल्ला एंड कार, हाउलर बंदर। स्पाइडर मंकी, बैम्बून या फिर गोरिल्ला या फिर हाउलर मंकी, सबसे बड़ा मंकी कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मंकी कौन सा है पूछा है आपसे, बंदर कौन सा है सबसे बड़ा? भाई ऑप्शन लिखा है ना, सबसे बड़ी और भारी बकरियां थी साइबेरियन आइबेक्स। जल्दी बताइएगा, साइबेरियन आइबेक्स क्या था? सबसे बड़ी और भारी बकरियां थी, ठीक है। सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? बिल्कुल, फिजिक्स का भी टेस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर सही। अभी काफी बच्चों के आंसर सही आने लगे हैं। बिल्कुल सही है, गोरिल्ला सबसे बड़ा बंदर है। क्या है? गोरिल्ला सही आंसर होगा। गोरिल्ला सबसे बड़ा बंदर है। ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? गोरिल्ला है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव सदृश लघुतम कपी है, मतलब द शॉर्टेस्ट ह्यूमन लाइक अपीयरेंस किसकी है? गिब्बन की, चिंपैंजी की, गोरिल्ला की या ऑरंगउटान की? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव सदृश कौन है, मतलब मानव जैसी अपीयरेंस, ह्यूमन लाइक अपीयरेंस किसकी है, ठीक है, देखिएगा। आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं शायद मुकेश कुमार जी। जल्दी जल्दी आंसर दो। जल्दी आंसर देंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए आंसर है आपका गिब्बन। क्या आंसर होगा? गिब्बन एक छोटा सा बंदर है जो कि किसकी अपीयरेंस देता है? ह्यूमन लाइक अपीयरेंस देता है, जो मानव सदृश ही दिखता है, मानव जैसा ही दिखाई देता है। ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का है? किसका है? मार्सुपियल्स का है। कंगारू, ब्लू वेल, जिराफ या रूस्टर? मार्सुपियल्स नहीं, मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स इनमें से कौन से हैं? मार्सुपियल्स, ठीक है। फिजिक्स का टेस्ट 10-15 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बायोलॉजी थोड़ी ख़त्म होगी, हम पहले फिजिक्स करेंगे फिर केमिस्ट्री करेंगे। तो देखिए मार्सुपियल्स इनमें से कौन से हैं? मार्सुपियल्स बताइएगा।
बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा, कंगारू आंसर राइट होगा। क्या कंगारू क्यों मार्सुपियल्स में रखा गया है? अब सबके मन में क्वेश्चन आएगा मार्सुपियल्स होते क्या है। भाई मार्सुपियल्स वो जानवर है जब वो अपने जानवर को, मतलब जब भी अपने बच्चे को किस में, अपने ही शरीर की किसी आगे वाली पॉकेट में रखते हैं उसे मार्सुपियल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कि कंगारू, कंगारू क्या होता है, कंगारू पूरे विकसित बच्चे को जन्म नहीं देता। कुछ जानवर होते हैं जो कि अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं जैसे कि कंगारू, और कंगारू क्या रखते हैं अपने आस पास में पॉकेट रखते हैं जिसे मार्सुपियन पॉकेट कहा जाता है, और उसके अंदर अपने बच्चे को रखते हैं जब तक उसका पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो जाता। उस पॉकेट के कारण इन्हें मार्सुपियल एनिमल कहा जाता है। तो ए ऑप्शन कंगारू राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या समझ में नहीं आया? आई होप ये चीज क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। बिल्कुल गौरव होगा, क्यों क्या बात हो गई भाई। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो आपको, मार्सुपियल्स किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? एरेक्ट हेमनॉइड, लार्ज ब्रेन हेमनॉइड, बाइपीडल हेमनॉइड या वाइस हेमनॉइड। एरेक्ट हेमनॉइड, लार्ज ब्रेन हेमनॉइड, बाइपेडल हेमनॉइड या वाइस होमिनिड। जल्दी से आंसर दीजिएगा, होमोसेपियंस का मतलब क्या है, होमोसेपियंस का मतलब क्या है? होमोसेपियंस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान मैमल माना जाता था, तो होमोसेपियंस नाम दिया गया, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा वाइस हेमनॉइड, ठीक है। वाइस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, क्या होता है, बुद्धिमान। तो होमोसेपियंस क्या है, वाइस हेमनॉइड ही है, होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइस हेमनॉइड। तो डी ऑप्शन आप लोग का राइट होगा, वाइस हेमनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हेमनॉइड्स हैं अर्गेस्टर लाइन, क्रोमैग्नन, नियंडर प्रोकांसल। अर्ली हेमनॉइड्स टू बी क्लासिफाइड एज होमोसेपियंस वर अर्गेस्टर लाइन, क्रोमैग्नन, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल, कॉकरोच और बीटल्स के ब्लड वाइट होता है क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता, किसी भी टाइप का पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से किसी भी टाइप का वर्णक नहीं पाया जाता, जैसे हमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कोई भी प्रकार का वर्णक नहीं पाए जाने के कारण इनका रंग क्या होता है, सफ़ेद, खून का रंग होता है सफ़ेद। बिल्कुल CHSL गौरव, जल्दी से आंसर दें। सबसे पहले होमिनाइड्स को किस में क्लासिफाई किया गया था? होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? जल्दी से आंसर दें। काफी बच्चे नहीं आंसर दे रहे भाई, आंसर दो जल्दी जल्दी।
बिल्कुल बिल्कुल, कुछ एक लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई होमिनोइड्स को सबसे पहले किस में क्लासिफिकेशन किया गया था, तो वो थे क्रोमैग्नन। क्या होंगे? बी ऑप्शन राइट होगा आपका, क्रोमैग्नन। क्या आंसर सही होगा? क्रोमैग्नन। ठीक है, सबसे पहले होमिनोइड को किस में क्लासीफाई किया गया? क्रोमैग्नन में क्लासीफाई किया गया। समझ में आई बात? ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा, क्रोमैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, नर्व फाइबर, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है स्किन की, ये पूछा है। एपिडर्मिस, नर्व फाइबर, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। सबको आंसर ये पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोचने की ही जरूरत नहीं है, आंसर सभी बच्चों का सही आ रहा है। बिल्कुल सही, ए एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है ह्यूमन की? एपिडर्मिस की बनी हुई होती है त्वचा का सबसे भारी भाग। एपिडर्मिस सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है इसमें? कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि इसे क्या बनाता है? वाटर प्रूफ बनाता है, वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। ए ऑप्शन एपिडर्मिस आंसर सही होगा। ठीक है, एपिडर्मिस आंसर सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? विच इज द टिश्यू कनेक्टिंग टू द मसल इज कॉल्ड? द टिश्यू विच कनेक्ट टू मसल एंड बोन इज कॉल्ड एज? द टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू बोन इज कॉल्ड एज? कार्टिलेज, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टेंडन और लिगामेंट। जल्दी से आंसर दीजिए। मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाले उत्तक का क्या नाम है? बोन्स वाली क्लास में क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार कराया गया है और बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा, टेंडन आंसर राइट होगा। टेंडन सी ऑप्शन राइट होगा आपका, सी ऑप्शन राइट होगा, टेंडन, जो आपकी मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं वो होते हैं टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रक्त क्या है? रक्त क्या है? अ कनेक्टिव टिश्यू, अ कंप्यूटेड टिश्यू, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ब्लड क्या है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? उपकलित उत्तक या संयोजित उत्तक या फिर दोनों? हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल एक संयोजी उत्तक है, सभी का आंसर सही है। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है और अर्ध ठोस है, सेमी सॉलिड नेचर का है और क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। ए आंसर सही होगा। क्या होगा? अर्ध ठोस है, पहली चीज तो ये देखिएगा, अर्ध ठोस है, सेमी सॉलिड जिसे कहा जाता है और क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर करते हैं। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त या फिर कंकाल पेशी?
इनमें से कौन सी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त या फिर कंकाल पेशी? हिंदी का क्लास क्लोज नहीं हुआ है अभी तक, ट्रिक मास्टर, हिंदी का क्लास क्लोज नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है बताइएगा? बोन, कार्टिलेज, ब्लड और स्केलेटल मसल? अभी तो बताया था, बताओ भाई सी ऑप्शन कैसे दे रहे हो, सी ऑप्शन कैसे दे रहे हो? अभी तो हमने बात की थी कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ब्लड आंसर कैसे दे रहे हो? अभी जस्ट बताया कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर पूछा है कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है इनमें से, इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? तो ब्लड को तो वैसे ही हटा दोगे क्योंकि अभी मैंने बताया ब्लड तो क्या है, संयोजी ऊतक है। जल्दी आंसर दें भाई, आपकी बोन अस्थि भी क्या है, आपकी अस्थि भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। फिर बी ऑप्शन आता है उपास्थि, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन जो आपके कान में पाई जाती है वो भी क्या है, वो भी आपकी संयोजी ऊतक है। तीसरा ऑप्शन आ जाता है ब्लड, जो कि पहले ही बता चुके हैं इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि ब्लड क्या है, संयोजी ऊतक है। चौथे ऑप्शन पे आते हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल क्या है, जो पेशी है, जो कंकाल पेशी है वो एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू एक अलग प्रकार का टिश्यू आ जाता है, एक अलग प्रकार का क्या आ जाता है, ऊतक आ जाता है, ऊतक का प्रकार आ जाता है। इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा, कंकाल पेशी स्केलेटल मसल राइट आंसर होगा, स्केलेटल मसल इज द राइट आंसर, स्केलेटल मसल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लसिका इसमें उपस्थित होती है, लिम्फ इज प्रेजेंट इन, संवहन उत्तक, उपस्थि कान, कार्टिलेज ईयर, शल्की जिसके ऊपर कॉर्नी लेयर पाई जाती है, या तंत्रिका तंतु न फाइबर? बिल्कुल पवन राठौड़, यही लेवल रहेगा, बिल्कुल सर की क्लास आज है। लिम्फ इज प्रेजेंट इन, जल्दी से आंसर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल लिम्फ इज प्रेजेंट इन, लसिका इसमें उपस्थित होती है, किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। ए ऑप्शन राइट होगा, संयोजी उत्तक आंसर सही होगा, संवहन उत्तक आंसर सही है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ए ऑप्शन संवहन उत्तक आंसर सही है, सॉरी कन्वेक्शन टिश्यू, कनेक्टिव नहीं, कन्वेक्शन टिश्यू संवहन उत्तक आंसर सही है, संवहन कराता है। लसिका क्या करता है, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उनका, एंटीजन एंटीबॉडीज का, जो इम्यून सिस्टम आपका बनाता है उनका कन्वेक्शन कराता है, संवहन कराता है, इसलिए एक प्रकार का संवहन उत्तक है, कन्वेक्शन टिश्यू है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, फेफड़े, अग्नाशय, जिगर या अस्थि मज्जा? जिगर बोला जाता है किसे, लिवर को। ठीक है, फेफड़े, अग्नाशय, जिगर या अस्थि मज्जा, बोन मैरो? ठीक है, जल्दी से बताइए कहाँ पर रक्त की उत्पत्ति होती है, कहाँ पर रक्त की उत्पत्ति होती है, ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी बोन मैरो आंसर सही होगा। बोन मैरो अस्थि मज्जा में क्या बनते हैं? रक्त की उत्पत्ति होती है। बोन मैरो इज द राइट आंसर। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या होता है? जैसे आपकी जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में क्या होता है, एक होलो स्पेस होता है, एक खाली स्पेस, गुहा पाई जाती है। वहां पर क्या बनती है? रक्त की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो का नाम दिया जाता है कि बोन के मैरो के अंदर, अंदर के साइड उपस्थित होने के कारण इसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा गया। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर? कितना रक्त पाया जाता है सामान्य वयस्क व्यक्ति में? ह्यूमंस अडल्ट में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दे। बिल्कुल बिल्कुल, ए ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही। 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना लीटर ब्लड पाया जाता है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि मानव वयस्क, वयस्क मानव में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है, अप्रॉक्स 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? मतलब पीएच कितना रहता है, क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच कितना रहता है? 7.4, 7.9, 6.7 और 8.1। चाइल्ड में थोड़ा कम पाया जाता है गौरव। सबको पता होना चाहिए आंसर भी, सबको पता होना चाहिए कि 7.4 ब्लड का अनुमानित पीएच है, और जितनी भी आपकी दवाइयां हैं वो इसी पीएच के आधार पर बनाई जाती है। चाहे आपके जो इंजेक्शन लगाने होंगे ना, वो इसी पीएच के आधार पर बनाए जाते हैं, ताकि वो इस पीएच पे काम कर सके। ताकि मोस्ट ऑफ द दवाइयां, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, सारी दवाइयां या सारी चीज़ें एक अनुमानित पीएच पर ही काम करती है। तो उस पीएच को मेंटेन रखा जाता है उन दवाइयों के, ताकि 7.4 पीएच में आते ही वो काम कर सके। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, 7.4 पीएच। क्या आंसर होगा? 7.4 पीएच। भाई ब्लड बेसिक स्टार्ट किया है, ब्लड का बेसिक स्टार्ट किया है। ठीक है, ब्लड का बेसिक स्टार्ट किया है। देखो अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग का आज का ये रहा आपके सामने। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या 14.5 ग्राम। मतलब 100 ml ब्लड में सामान्य मनुष्य में कितने वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 ml? बताइएगा 11.5, 12.5, 13.5 या 14.5। सेम पीएच पाया जाता है वैभव, 7.4 पीएच ही पाया जाता है। जल्दी बताएं, वयस्क पुरुष में 100 ml में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? कुछ एक बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वयस्क पुरुष पूछा है, ह्यूमन मेल पूछा है, अडल्ट मेल का पूछा है, तो आपको आंसर सही बताना है। बिल्कुल कुछ एक बच्चों का ही आंसर सही है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन राइट है कि आपके
जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन मेल ह्यूमन होता है, उसमें अडल्ट मेल में 14.5 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो एवरेज मात्रा है वो 14.5 से रहती है, तो 14.5 इज द राइट आंसर। कोई अडल्ट हेल्दी मेल होगा उसमें 14.5 ग्राम पर 100 ml आपका हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। तो ये तो थे आज की क्लास के क्वेश्चन। कल की क्लास के क्वेश्चन भी रक्त से रिलेटेड होंगे, थोड़े हाई लेवल के होंगे। अभी अपन ने बेसिक लेवल के 4-5 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, कल की क्लास में थोड़ी हैवी लेवल के रक्त के क्वेश्चंस होंगे, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो मेक श्योर क्लास को अटेंड करें, 3 से 4 क्लास के टाइमिंग है। मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक स्टेटस पर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद क्लास में आने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।